हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बिहार पुलिस स्पेशल 50 जीके, यानी ये तो सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे 51 से 100 के बीच, लेकिन प्रत्येक जीके के पीछे मैं 3 से 4 आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप देखिएगा तो 10 से 15 मिनट में आप करीब 100+ जीके यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। मोम्बासा, किसुमू और नाकुरा कहाँ के शहर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केन्या के शहर हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि केन्या की राजधानी नैरोबी है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, टोगो की राजधानी लोमे है और गोबिया की राजधानी बंजुल है और स्वाजीलैंड की राजधानी मम्बाने है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला जो युद्ध है उसे कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध को जो है क्या कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध को ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 61 देश इसमें भाग लिया था और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। आप वीडियो को 1 से 2 बार सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। ये लिखने का यहाँ कोई प्रावधान तो हम नहीं रखे हैं, आप सुन लीजिए। जैसे देखिए, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता था। ये सभी बातें आप यहाँ पे जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद टोंगिया खेती की जाती है। ये टोंगिया खेती कहाँ की जाती है? तो ये म्यांमार के अंदर की जाती है, यानी कि लाई जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को ही कहा जाता है और म्यांमार की राजधानी और रंगून है और इसकी मुद्रा का नाम क्या था? उसके बाद देखिए, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला से संबंधित है, यानी पनामा रोग का संबंध किससे है? तो ये केला से है, जबकि सूखा तथा कैंकर रोग अमरूद का रोग है, स्टेम ब्लैक तथा ब्राउन रॉट सेब का रोग है और टिक्का रोग मूंगफली का रोग है, खैरा धान का रोग है, ब्लैक रस्ट गेहूं का रोग है, श्वेत किट ये सरसों का रोग है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर का सवाल है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण होता है। आपको पता होगा कि गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, जबकि चुकंदर में विटामिन वर्णक पाया जाता है और पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण ही होता है। आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है, जबकि हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। चलिए, ये सभी के सभी आप एक साथ एक क्वेश्चन के साथ मैं 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और वीडियो को सिर्फ 1 से 2 बार सुनना है, निश्चित रूप से आपका याद होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्ष तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यानी कि देखिए, ब्रिटेन में संसदीय सरकार है, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रति वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यानी लिखित नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर का सवाल। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा 243 का घ में है। उसके बाद भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है, यानी कैसी व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था। और भारतीय जो है रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता ही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका जो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 को हुई थी। अगला देख लीजिएगा सवाल है 59 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? देखिए, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष के बारे में भी बात कीजिएगा, तो लेखा वर्ष जो है इसका आप जुलाई से जून होगा इसका सही आंसर।
चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जबकि वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन आरबीआई का लेखा वर्ष के बारे में बात किया जाए तो ये जुलाई से जून ही होगा। उसके बाद क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन राति के मैच कब खेले गए थे, इसका राइट आंसर होगा 1992 में खेले गए थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1966 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे किया था, तो राइट आंसर होगा लंदन के अंदर किया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा था, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 62 नंबर पे देख लीजिएगा, सबसे कम तरंग दर्द वाली जो किरणें हैं उसका नाम क्या है, तो गामा किरणें हैं। और अगला हम लोग 63 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई जो समिति है ये अस्थायी समिति नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अक्रिय गैस कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन, ये अक्रिय गैस का उदाहरण है और ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है, चूंकि रेडॉन सबसे भारी है इसलिए ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। उसके बाद 65 नंबर के बारे में देखें, 65 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है, यानी कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, इस भाग का मौसम हमेशा गर्म होता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्बल हो जाता है। उसके बाद देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। उसके बाद ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिएगा, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो मरू राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 69 नंबर देखिए, बहुत ही मरू राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जबकि रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, केवला देव ये भी आपका राजस्थान में है और ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम के अंदर झील कार्बेट उत्तराखंड ही है, ये भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद हम लोग 17 नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसको है, तो राइट आंसर संसद को है। उसके बाद निम्नलिखित में से कि में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा था, राइट आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि सातवाहन वंश के ये शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसे राजा के भेष में सन्यासी कहा जाता है। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, सातवाहन वंश का संस्थापक का नाम सिमुख था और सातवाहन की राजधानी का नाम प्रतिष्ठान था। उसके बाद देखिए, किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को कंसाइंस कीपर कहा जाता है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये उस कंसाइंस कीपर का मतलब क्या होता है कि महात्मा गांधी का गुरु किसे कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग 73 नंबर का सवाल देख लेते हैं, 73 नंबर का है लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है ये विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उसके बाद देखिए, 74 नंबर का सवाल है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की त्रिज्या के बारे में यदि बात करें 10^-10 मीटर होती है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। और 76 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, तो कि द्वितीय विश्वयुद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला है, तो न्यूरमबर्ग में चला था। द्वितीय विश्वयुद्ध के अपराधियों पर कहाँ पे मुकदमा चला, ये न्यूरमबर्ग में चला था, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए 76 नंबर में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में अपराधियों पर न्यूरमबर्ग में मुकदमा चला था,
और इसमें 61 देश भाग लिया था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1947 को हिरोशिमा पर फैटमैन और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। उसके बाद कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी भूमिका अग्रणी है, तो कनाडा होगा। यानी कि कनाडा जो है ये यूरेनियम के और जस्ता के उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है, जबकि चीन कोयला उत्पादन में अग्रणी है, यूक्रेन लोहा तथा मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी है, चिली तांबा के उत्पादन में है, भारत अबरक उत्पादन में प्रथम है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, राइट आंसर होगा क्लोरीन। उसके बाद केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो केंद्रीय उत्पाद कर है। और अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज कितना है, 2000 किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। उसके बाद देखिएगा निम्न में कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो राइट आंसर होगा पक्षी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है, तो राइट आंसर होगा भारत। किस नदी पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, तो राइट आंसर होगा हडसन। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ था, तो राइट आंसर होगा मालवा प्रदेश। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन भी कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सीरियस तारा। और भारतीय जलवायु कहलाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। उसके बाद हिंदू मिथक शास्त्र में कितने पुराण हैं, तो यदि पुराणों के बारे में बात करें तो 18 पुराण है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा पेरिस स्थित वर्ल्ड न्यूज़पेपर एसोसिएशन एक ताज़ा रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार समाचार पत्रों की बिक्री के मामले में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है, राइट आंसर हो जाएगा भारत का है। उसके बाद देखिएगा 92 नंबर शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला के दीवान खास में उद्धृत पंक्ति, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है, ये किस भाषा में लिखी हुई है, राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी हुई है। उसके बाद 93 में देखिएगा लाल किले का ज्यामिति आकार कैसा है, अनियमित अष्टभुज का है। उसके बाद देखिएगा 94 नंबर का सवाल, 94 कह रहा है क्या कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो आप जानते हैं कि प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्टन के समय हुआ था और ये 1937 में अलग हुआ था। इसके बारे में और हम लोग कुछ देख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ था दोस्तों। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऋग वेद में लिखा हुआ है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, यानी कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसके बाद 96 नंबर का देखिएगा कलिंग सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद गर्भाशय में मानव भ्रूण एक द्रव में तैरता रहता है जिसे अमनियोटिक द्रव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मानवीय शरीर में रक्त के लोहिताणु यानी लाल रक्त कणिका और श्वेत कणिका के बीच अनुपात जो होता है, तो ये अनुपात एक्चुअली कितना होता है, 600:1 होता है। ये 500 लिख दिया है, आप याद रखिएगा 600:1, यानी आरबीसी 600 होता है तो डब्ल्यूबीसी 1 होता है। उसके बाद देखिएगा लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा टायलिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं, रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है, अल्पना पश्चिम बंगाल की लोक कला है, चिता ओडिशा की लोक कला है, आंध्र प्रदेश में नव वर्ष को उगाही कहा जाता है, मंडाना राजस्थान की लोक कला है, अरपन या अरिपन बिहार की लोक कला है और पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है दोस्तों। तो 14 से 15 मिनट में हम लोग जो है 50
सिर्फ कहने का है, लेकिन 50 से 100 प्रश्न के बीच हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा तो आप, और एक से दो बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको इस बार फतह करना है बिहार पुलिस का, तो निश्चित रूप से हमारे इस शो से आप जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप 1 नंबर से 50 नंबर तक वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।